दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह सुबह का टाइम है, आपको लग रहा होगा कि हम कहीं जा रहे हैं। सच में हम कहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पहाड़ों में। पहाड़ों में बोला जाए तो हिमाचल प्रदेश यहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पे जा रहे हैं वाले हैं अनंतपुर साहिब जी के दर्शन। सो गाइस, ये सुबह सुबह का टाइम है और देखो जी कितनी ज्यादा धुंध पड़ी हुई है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि चारों तरफ से मतलब धुंध है। रोड्स में विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, तो ऐसे टाइम पे गाड़ियां बहुत स्लो चलानी चाहिए। हमें जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि जल्दी अगर नहीं निकलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। यहाँ पे घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए सारी चीजें हम मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने जल्दी जल्दी निकलने का प्लान किया। वो गाड़ी स्लो रखी है, धुंध बहुत ज्यादा है, इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए हम आगे जा रहे हैं। तो गाइज, अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर आया तो कल की न्यूज थी। कल देखो जी, नवांशहर का जो टेम्परेचर बताया गया था 0 डिग्री बताया गया था। अभी हम नवांशहर क्रॉस कर रहे हैं और आप देख सकते हो धुंध कितनी है। 11:30 बजे का टाइम हो चुका, धुंध देखो किस लेवल की है। ये 0 डिग्री आज कल का है, तो मुझे लगता है आज माइनस में टेम्परेचर जरूर होगा। न्यूज वाले गलत नहीं लिखते हैं, सही लिखते हैं। 0 डिग्री मेरे ख्याल से 0 डिग्री शहर का होगा, तो अगर आउटसाइड अगर पिंड वगैरह की बात करते हैं तो माइनस में जरूर चला गया होगा टेम्परेचर। सो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं गढ़शंकर। अभी गढ़शंकर का ये मार्केट है जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से डिस्टेंस जो है वो काफी कम रह जाती है। वो दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों, ये है गढ़शंकर मार्केट जो एरिया। यहाँ से रोड डाइवर्ट होता है, घूमता है। अब थोड़ी सी पहाड़ियाँ पुड़ियाँ यहाँ इसके बाद आने स्टार्ट होंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइज, आप व्यू देख सकते हो कि कितना प्यारा व्यू नजर आ रहा है आपको। आगे मतलब कि बहुत ज्यादा धुंध है तो नजर नहीं है, पर पेड़ पौधे और दोनों तरफ से जो पेड़ ने मतलब कि कवर अप किया हुआ है, धुंध है चारों तरफ। बहुत ही अच्छा सा व्यू आ रहा है, लाजवाब है भाई साहब। तो गाइज, कुदरत के दो रंग आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो मैंने फील किया। अभी सिर्फ 10 मिनट का फासला था, जैसे हम पहाड़ों में हमने जैसे एंट्री करी भाई साहब, जितनी ठंड जितनी धुंध आपको जैसे वीडियो में नजर आई है, आप देखो जी, और देखो धूप, देखो गर्मी, देखो भाई साहब जमीन आसमान का अंतर हो गया भाई। यहाँ पे इतनी ज्यादा धूप है और पीछे अभी आपको लग रहा होगा जैसे मैंने 1-2 घंटे बाद वीडियो, नहीं, मैंने जस्ट अभी धुंध थी पीछे जैसे पहाड़ में एंटर किया और धूप ही धूप। कुदरत के दो रंग है भाई साहब, एक जगह ठंड, एक जगह धूप, और एक जगह सूरज ही नहीं देखने को मिल रहा है भाई साहब। पंजाब में कितने दिन हो गए, 10 से 15 दिन हो गए धूप नहीं देखा हमने। ये देखो जी मॉन्की वगैरह देख सकते हैं आप कितने ज्यादा। ये देखो जी, इस एरिया में ना मॉन्की आपको बहुत मिलेंगे। ये देखो जी मॉन्की हर जगह बहुत ज्यादा है भाई साहब। ये देखो कितने ज्यादा, गाइस अभी हम आ गए हैं अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा जी मत्था टेकने। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी, इसे कहते हैं केसगढ़ साहिब। ये जो जगह है यहाँ पे सिख धर्म की स्थापना हुई थी, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। ये देख सकते हो गुरुद्वारा साहिब, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे साजे थे, यहाँ पे हुई थी खालसा पंथ की स्थापना। तो दीदी किदा लग रहा है, अच्छा मजा आ रहा है? ये तो जी यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई है, ऊपर चढ़ते हैं और ये आ जाता है गुरुद्वारा साहिब। मम्मी की हालत खराब हो गई है, देखो मम्मी से थोड़ा सा भी नहीं चढ़ा जाता। गाड़ी लेके आने को लेके आ सकते थे हम, पर हमने सोचा कि नहीं गाड़ी नहीं लेके आएंगे, थोड़ी सी चढ़ाई है चढ़ते हैं। और देखो जी जो डेकोरेशन यहाँ पे हुई है, वाह यार, लिमिटेड डेकोरेशन, चारों तरफ से बहुत प्यारा सजाया हुआ। वो देखो जी जो फूल मालाएं होती है ना, उससे जो होते हैं गेंदे के फूल होते हैं, उससे डेकोरेशन प्रॉपर तरीके से कर रखी है। देखो चारों तरफ से बहुत ही प्यारा सा व्यू है। और अभी हम लोग पहुंच गए, माता जी बेचारे ठंड में बेचारे कहार रहे हैं। तो चलो जी गुरुद्वारे के पास पहुंच गए और आगे चलते हैं, हाँ टेकते हैं वहाँ पे जाके। गाड़ी ऊपर आ ही जाती पर चलो कोई बात नहीं, नीचे ही रहेगी। वैसे मम्मी का बुरा हाल हो गया, मम्मी बेचारी चलो गर्मी आ जाएगी मम्मी, कोई गल नहीं। हमें एक्चुअली ना डाउट था कि ऊपर गाड़ियाँ अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए गाड़ी हमने ना नीचे ही थोड़ी पार कर दी। पर अभी देख रहे हैं कि गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे आ जा रही हैं, पर चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चढ़ लिया। इससे बॉडी में गर्मी आ गई, अदरवाइज नहीं तो यार बहुत मतलब कि ठंड ठंड सी है ना। देखो गुरुद्वारे के पास हम लोग पहुंच गए, कितना प्यारा था गुरुद्वारा केसगढ़ साहिब। ये देखो दोस्तों, ये देखो ऊपर से भी पाथ बनाया हुआ है जाने के लिए, कोशिश करेंगे यहाँ से भी अभी जाएंगे। ये न्यू सा मतलब कनेक्टेड कर दिया इधर से उधर जाने के लिए, पहले नहीं था ना, नहीं पहला नहीं सीगा, अजय करता कनेक्ट, पहला नहीं सका उन करता। अभी ये भी आपको दिखाएंगे जाके। ये देखो जी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है पूरी तरह से। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा साहिब के एकदम सामने फ्रंट साइड पे। आपको मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ यहाँ से। ये देखो जी जो डेकोरेशन है
मतलब कि बहुत ही औसम है यार। मुझे तो मतलब कि इतना प्यारी लग रही है, ऊपर से धूंध भी पड़ी है चारों तरफ, ऊपर से सारे ये देखो लंगर चल रहा है चाय का, और साथ में आप यहाँ से डेकोरेशन देखो यार, बहुत ही अनलिमिटेड है। ओहो, ये तो फूलों से जो डेकोरेशन ये वाली है ना, ये तो बहुत ही लाजवाब है। चलो जी, यहाँ पे जब भी आपको अंदर जाना है तो आपको यहाँ पे हैंड वॉश करने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि उसके बगैर गुरुद्वारे में एकदम पवित्र होके जाना जरूरी है, और वहाँ पे पैरों को भी क्लीन किया जाता है आगे जाके। अभी यहाँ पे गीला गीला बहुत हो गया, ठंड बहुत लग रही है। तो गाइस, जब भी हम गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं तो इस तरह से देख भी करवा सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं गुरुद्वारे से, यहाँ से देख लेके जाएंगे गुरुद्वारे में। बहुत ही अपनी श्रद्धा, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको लेके जाना ही जाना है, बट आप लेके जा सकते हो। ये देखो जी, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अपना पैर स्नान अपने ना क्लीन कर सकते हो। ये देखो जी, यहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं आप यहाँ पे आते हैं तो। बहुत ही अच्छा प्यारा सा व्यू है। सो गाइस, अभी मथा हमने टेक लिया है, तेरे कैसा लगा मथा टेक के? ये देखो जी, धुंध कितनी ज्यादा है, कोहरा ही कोहरा, धुंध देख लो किस लेवल की है भाई साहब। कुछ आपको नजर नहीं आने वाला, मैं आपको एक ये देखो जी गुरुद्वारा साहिब आपको दिखा देता हूँ। ये है अनंतपुर साहिब जी का केसगढ़ साहिब, ये गुरुद्वारा साहिब आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं दिखा पाऊँ। यहाँ पे धुंध इस लेवल की है कि आप नहीं देख पाओगे। ये देखो जी, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको व्यू कितना सही नजर आ रहा, पर धुंध इतनी ज्यादा है कि आप नहीं नजर आएगा आपको भी यहाँ से। अभी चलो आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये देखो जो मैंने दिखाया था ना आपको रोड के ऊपर से, ये वाला वो पाथ है, ये गुरुद्वारा साहिब है, और यहाँ से हम लोग इस पाथ से जा रहे हैं। वो देखो जी, ये रोड के बीचों बीच ऊपर से ये पाथ बनाया हुआ है, पहले नहीं होता था पर अब ये बन गया। अब ये किधर जाने का रास्ता है ये हम दिखाते हैं, क्योंकि मैं भी ये वाले रास्ते में, ये न्यू बना है ना, यहाँ पे पहली बार आया। आई थिंक कोई यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब होगा, वहाँ पे उसका रास्ता है। ये देखो जी, वे बना हुआ है इधर को, तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं। बहुत ही लाजवाब है यार, मजा आ गया यार गुरुद्वारे मत्था टेक के ना यार, दिल को इतने सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है, नहीं तसल्ली होती है ना, मैं क्या बोलूँ यार, आई कांट इमेजिन, मैं अपने वर्ड्स में वो चीजें नहीं बता सकता जो मैं एक्चुअल में फील करता हूँ। ये देखो जी, निशान साहब यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, ये देखो आप देख सकते हो, और ये है अनंतपुर साहिब का ये शहर। ये देखो जी, अभी बहुत ज्यादा धुंध है, 12 बजे का टाइम हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे गुरुद्वारे ये मत्था टेकने के लिए जगह बनाई हुई है, चलो मत्था टेकते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर की तरफ। गाइस, जब इतनी ज्यादा ठंड हो और गुरुद्वारे में आए हो ना, और आपको चाय मिल जाए और ब्रेड पकौड़े मिल जाए, तो भाई साहब आपकी ठंड ना, मैं बोलता हूँ कहीं नियर बाय भी नहीं आ सकती, ये भाई साहब मेरा एक्सपीरियंस है। और भाई लिटरली ठंड एकदम गायब सी हो गई है। गुरुद्वारे जो बाबा जी है ना, वो अपनी जो भी संगत है ना, उनको कभी भी मतलब की ऐसे ठंड में एक हीट सी प्रोवाइड हो जाती है, एनर्जी सी आ जाती है। तो गाइस, दर्शन बड़े अच्छी तरह हो गए, बड़े मतलब आराम से हो गए। ठंड तो थी यार, तो क्योंकि ये थोड़ी हाइट पे गुरुद्वारा साहिब, तो यहाँ पे क्या कि नंगे पैर जब हम मतलब कि जब ऊपर ऐसे वॉक कर रहे थे ना मत्था टेकने के बाद, तो वहाँ पे क्या हुआ ना, मतलब पैर शानी थोड़े सुन होने स्टार्ट हुए, सुन होते होते थोड़ी सी मतलब कि फिर थोड़ी फील हुई, दर्द फील हुआ, तो उसके बाद वो सुन हो गए भाई, फिर ठंडी लग रही थी। वो बोलते ना एक टाइम की ठंड होती है उसके बाद सब ठीक हो जाता है। तो ये देख रही, अब हम लोग डाउन जाएंगे यहाँ से, अब नीचे जाने का यहाँ से मतलब कि ये रास्ता है, तो गाड़ी वैसे ऊपर आ सकती थी पूछा हमने तो, बट जो जब कोई फंक्शन होते हैं जैसे मेला वगैरह लगते हैं ना, तो पीछे पार्किंग हो जाती है, तो हमने वैसे पीछे लगा दी। अब यहाँ से देखो जी, नीचे जाने का रास्ता इस तरह से है। ये देखो जी, स्लोप सा बना हुआ है एक तरीके से, और डेकोरेशन यार देखो कलरफुल हो गए ना, बहुत अच्छी सी डेकोरेशन से कर रखी है इन्होंने, बहुत प्यारी। और मम्मी लोग देखो अभी ना दौड़ते दौड़ते आएंगे नीचे की तरफ, ये देखो यहाँ से डाउन है ना, तो अब दौड़ते दौड़ते आएंगे ये लोग।